All I know is that to be that. All I know is you to be that. All I know is that to be that. हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि अपने यहाँ अपने पीसी में से काफ़ी सारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, जिससे फिर हमें बाद में पता चलता है वो फाइल या फोल्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे में हमें होती है परेशानी। तो दोस्तों, मैं इसी का सोल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसमें आप कर सकते हैं अपने फाइल्स या फोल्डर्स को रिकवर। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने फाइल या फोल्डर को रिकवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो टेक्निकल वर्ल्ड ब्लॉग। दोस्तों, अब हम हैं मेरे जिस पीसी के अंदर। देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करके। हम चलते हैं एफ ड्राइव के अंदर। एफ ड्राइव के अंदर मैं आपको एक फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिखाता हूँ। चलिए, हम इस सी प्रोग्रामिंग के फोल्डर को डिलीट करते हैं। इस पर मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद करते हैं डिलीट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो चुका है डिलीट। लेकिन मैं आपको इसको परमानेंटली डिलीट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको कोई शक न रहे। मेरा रिसाइकल बिन, और हम करते हैं डिलीट। यस, ये चुका है परमानेंटली डिलीट मेरे पीसी में से। तो चलिए, हम चलते हैं जिस पीसी पर। ये सारी ड्राइव लोड हो रही हैं, तो या एफ ड्राइव से निकलते हैं। यहाँ से फोल्डर हो चुका है डिलीट। देखते हैं आप, जिस पीसी नाम का फोल्डर हो चुका है डिलीट। चलिए, अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा ऑप्शन रिकवर मीडिया। देखिए, अब ये इस ड्राइव को स्कैन करेगा। ये थ्री स्टेप वेरिफिकेशन होता है, और मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। असल में होता क्या है, सारी फाइल डिलीट नहीं होती हैं। हम अगर किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो उसी जगह पर उसी स्टोरेज में रहती है, बस वहाँ से वो एड्रेस का डिलीट हो जाता है, लेकिन वो फाइल हमें दिखाई नहीं देती। तो ये उन्हीं हिडन फाइल्स को ढूंढ लेता है और वापस से रिकवर कर लेता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अब काम करना बंद कर दें उस फाइल को डिलीट होने के बाद, ताकि उस एड्रेस पर कोई दूसरी फाइल कॉपी ना हो जाए। देखिए, जिसने ये काम कर लिया है, यहाँ पर हम ढूंढेंगे अपनी फाइल। उन फाइल को ढूंढने में फिलहाल थोड़ा टाइम लगा है। चलिए, सॉरी, अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे अपनी फाइल। ये देखिए, मिल चुकी है मेरी फाइल मुझे। ये रही सी प्रोग्रामिंग की फाइल जो मैंने डिलीट की थी। मेरी की सारी फाइल्स हैं। बेसिकली फोल्डर रिकवर नहीं होगा, बल्कि फोल्डर के अंदर जो फाइल्स थी वो रिकवर होंगी। मैं इनको करता हूँ सेलेक्ट। मैंने किया सेलेक्ट। अब यहाँ पर आपको लगाना है इन सभी पर मार्क। चलिए, इन पर लगाते हैं मार्क। इन बॉक्सेस को चेक किया मैंने, सभी जगह में चेक हो जाएंगे। अब करते हैं इसको रिकवर। आपको लोकेशन चूज करनी पड़ेगी, किस लोकेशन पर आपको इसको रिकवर करना है। चलिए, हम उसी जगह पर रिकवर करते हैं जहाँ से हमने डिलीट किया था। मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पर लिखूँगा मैं सी प्रोग्रामिंग। चलिए, ओके पर क्लिक करते हैं। मैंने किया ओके, यस, आई वांट टू रिकवर, और हो चुकी है वो रिकवर। चलिए, हम आपको दिखाते हैं एफ ड्राइव। ये देखिए दोस्तों, इस फोल्डर को खोलिए। देखिए, तो सारी की सारी फाइल्स आ चुकी हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको रिकवर करनी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।
सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू सो मच